सारे सील्स कलेक्ट करने के बाद शैडो में सेंसे एंड स्लाई हम चारों पहुंचे थे गेट्स ऑफ शैडोज पे उसे क्लोज करने के लिए, लेकिन वहां कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। हमने इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली गेट्स ऑफ शैडोज को बंद कर दिया, लेकिन जो हमारी फ्रेंड मे थी वो वहाँ पे अंदर फंस चुकी है और यहीं से हमारी शुरुआत होती है इंटरल्यूड की। ओके सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाइपर एकेडमी एंड टुडे वी आर प्लेइंग अगेन शैडो फाइट 2। गाइस हमने गेट्स ऑफ शैडोज को तो बंद कर दिया, लेकिन ये जो टाइटन नाम का बंदा है ना जिसे आप देख सकते हो, उसने भाई मे को अंदर खींच लिया अपनी पावर्स से। और बता दूं मैं कि ये टाइटन ही मेन बॉस है हमारे गेम का। तो अभी हमको क्या करना है ना, हमें सारे सील्स मतलब जितने भी सील लगे हैं ना गेट्स ऑफ शैडोज में, वो किसी ना किसी तरह अपने ओनर से कनेक्टेड है। तो हमें इंटरल्यूड में इन सभी ओनर्स को फिर से हराना है ताकि इनके जो सील है ना वो करना बंद कर दे और गेट्स ऑफ शैडोज फिर से खुल सके और हम मे को रेस्क्यू कर सके। लेकिन यार इतनी स्ट्रगल करके हमने गेट्स ऑफ शैडोज को बंद किया और अभी फिर से ओपन करना पड़ेगा। वेल क्या करें, अभी गाइस हमको सारे बॉस से फिर से लड़ना पड़ेगा। शुरुआत होती है लिंक से और अपना फाइनल बॉस होगा ये टाइटन, जिसके बारे में अभी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो गाइस आज किस वाले एपिसोड में हम शुरुआत करने वाले लिंक से, आज हम लिंक्स को हराएंगे। साथ ही साथ मेरे कुछ स्किल्स अनलॉक हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो जल्दी से मेन्यू पे चलते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे मैं एनलाइटमेंट एंड मिरर, मैंने आप सभी से पूछा था कि मुझे इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए एंड मेजोरिटी ऑफ मेरे ऑडियंस ने कहा कि मुझे एनलाइटमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। सो हम इसी को लर्न कर लेते हैं। ये लो मैंने लर्न कर लिया, एक अचीवमेंट भी कंप्लीट हुआ है। ये देखो गेट्स ऑफ शैडोज को बंद करने का, ये जेम भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। चलो गाइस अभी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सो मैंने यहाँ पे कुछ कॉइन्स कलेक्ट किए, तो उनसे चलो न्यू इक्विपमेंट्स परचेस करते हैं। पहला है अपना वेपन मॉर्निंग स्टार, नाम देख रहे हो कितना खतरनाक है मॉर्निंग स्टार। फिर आर्मर की तरफ चलते हैं, ये वाला नहीं ये आर्मर है। ओके सो ये आर्मर कुछ ज़्यादा ही तगड़ा दिख रहा है, चलो इसे भी बाय कर लेते हैं। ये लो अभी प्लैटिनम कॉइन्स चलते हैं गाइज, और हेलमेट देखता हूँ कि आखिर हेलमेट कौन सा है। ओके ये रहा टेल्ड कैस्क्यू, ऐसा ही नाम है, इसे भी परचेस करो। और फिर रेंज्ड वेपन, ये देखो कुनाई का ही वर्जन है ये एक, और ये पूरे 1040 प्लैटिनम कॉइन्स का है, चलो इसे भी परचेस करते हैं। और फाइनली हम एक नया मैजिक देखने को मिला है जिसका नाम है फोर्स वेव, एंड इसकी प्राइस भी कम ही है, इसे भी बाय कर लेता हूँ मैं। एंड ये लो गाइस हमारे पास सारे नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, अभी जस्ट हमको चलना है और लड़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम टूर्नामेंट कंप्लीट कर ले, सिर्फ 8 स्टेजेस है, देन हम लिंक से लड़ेंगे। तो चलो टूर्नामेंट का फर्स्ट स्टेज हम यहाँ पे खेलते हैं, और ये मैंने फाइट पे टाइप कर दिया है। एंड ये देखो गाइज मॉन्की आया है, अब चलो इसे लड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने टिक पाता है कि नहीं। और पीछे का बैकग्राउंड देखो यार, बहुत टाइम बाद ये बैकग्राउंड देखा मैंने। अभी लो किक से स्टार्ट करूँ, नहीं ऐसे ही मारते, फर्स्ट स्ट्राइक कर लिया उसने, लॉल अरे मारे जा रहा है बंदा। चलो एक किक मार के मैंने उसे ऊपर उछाल दिया है, अब चलते हैं उसके क्लोज। लो किक से मैं पास जाने की कोशिश करता हूँ, और ये देखो मैंने नीचे गिरा दिया है। एक ओपी सा हिट लगा, दो हिट लगे प्रॉपर, और देखो कॉम्बो 3, बहुत ही कम एचपी रह गई है, एंड एक हिट लग जाए बस, और ये लोग जीत गए हम राउंड 1। अब बारी हमारे राउंड 2 की। वैसे गाइस हमारा मैजिक जो है ना वो पूरा चार्ज्ड है, सो चलो मैजिक यूज़ करते हैं, देखते हैं फोर्स वेव मैजिक आखिर है कैसा। मैं अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, क्योंकि लो किक्स मारते अभी टाइम है, रुक जाओ थोड़ा और वेट। ओके अभी यूज़ करते हैं, और ये अपना फोर्स वेव गाइस कितना ओपी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम हवा को पकड़ के उसकी तरफ फेंक दे रहे हैं। ओके सो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं, यहाँ पे हमने मॉन्की को हरा दिया है और हम टूर्नामेंट का फर्स्ट स्टेज जो है जीत गए। और देखो अभी भाई पूरे 8 स्टेज है ऐसे, एंड मैं अगर पूरा दिखाने लगा ना सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं एक काम करता हूँ गाइज, मैं टूर्नामेंट बिल्कुल फिनिश कर देता हूँ, और साथ ही साथ जो अपने वेपन्स है ना उन्हें मैक्स अपग्रेड कर देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट चल के लिंक से लड़ेंगे। सो मिलते हैं कुछ देर में। 2000 years later.
सो गाइज फाइनली मैंने यहाँ पे सारा टूर्नामेंट कंप्लीट कर दिया है एंड यार मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ। आप सभी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं एडिट करते वक्त ये सब ऐड नहीं करूँगा, बस जो मेन मैन है वही ऐड करूँगा। सो यहाँ पे देखो मैंने अपने इक्विपमेंट जो है ना वो सब मैक्स अपग्रेड कर दिए और आर्मर और हेलमेट में मैंने इंचैंटमेंट डाला लेकिन मुझे कोई अच्छा इंचैंटमेंट नहीं मिला, बस मैजिक रिचार्ज वाला मिला है। और एक और बात गाइज, मैं लिंक्स से लड़ा था लेकिन सीरियसली गाइज मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ लिंक्स को हराना है जैसे बॉसेस को हराते हैं, बट उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी सीरीज वाइज आए थे जैसा सर्वाइवल में होता है और मेरी एचपी बहुत कम रिकवर हो रही थी और एंड में लिंक्स की एचपी थोड़ी सी रह गई थी लेकिन उसने अपने बॉम्ब वाले एन्चेंटमेंट से मुझे हरा दिया। आई डोंट नो व्हाई मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं, बट अब क्या कर सकते हैं। एंड लिंक्स ने कुछ इस तरह से हमारा वेलकम किया था। वेल अब चलो एक और बार हम लिंक्स से लड़ते हैं और इस बार तो मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। ये देखो स्टार्ट हो चुका है और देखो सारे बॉडीगार्ड्स हैं। सबसे पहले हम लड़ेंगे इसके फर्स्ट बॉडीगार्ड शिन से और लेट्स सी भाई ये हमारे सामने कुछ कर पाता है कि नहीं। इसकी तो मैं बैंड बजा के रख दूंगा, आप देखो बस गाइस, क्योंकि मैं पहले भी इसको हरा चुका हूँ वो भी दो दो बार। फाइट शुरू हो चुका है और ये देखो लगा फर्स्ट स्ट्राइक बट इसने हमारे मुंह पे ये किक चिपका दी। तू रुक भाई, तुझे बताता हूँ, ये नीचे गिरा रहा है, अब मारते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए ना। ओके मैजिक भी मिस हो गया, वेट गाइज अब मारेंगे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, अब मारते हैं। एंड ये देखो दो दो हेड हिट लगे ओपी वाले और यहाँ पे थर्ड हिट के साथ शिन का काम तमाम। यहाँ पे हमने फर्स्ट बॉडीगार्ड को हरा दिया, अब सेकंड बॉडीगार्ड की बारी जिसका नाम है ब्रिक। अब ब्रिक से लड़ने वाले हम एंड ऐसे ही करके हमको इसके सारे बॉडीगार्ड्स को हराना है। एंड ये लो भाई अपना शुरू हो चुका है सेकंड राउंड। इसके पास बैटून्स है तो थोड़ा हमको ध्यान रखना होगा। रुक जाओ मैं मारने का ट्राई करता हूँ और आते ही मैंने फर्स्ट स्ट्राइक करके हेड हिट दे दिया और ये देखो भाई दूसरा ओपी सा हिट क्रिटिकल लग गया। अब फिर से मारने की कोशिश करते हैं, ब्लॉक कर रहा है बंदा, समझ गया कि मैं कैसे मार रहा हूँ इसे। थोड़ी सी एचपी रह गई ये गाइस सिर्फ और ये लोग जीत गए। हमने यहाँ पे सेकंड बॉडीगार्ड को भी हरा दिया है, अब बारी है थर्ड बॉडीगार्ड की। लिटरली गाइस शैडो फाइट 2 ना अब इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और भी ज़्यादा। ये देखो नीडल आ गई, नीडल से लड़ते हैं एंड लेट्स गो यार, जल्दी से स्टार्ट करो यार, इतना टाइम एनिमेशन दिखाने में मत बिताओ। ओके चलो अब अपना राउंड 3 शुरू हो चुका है, लो किक से स्टार्ट करूंगा। अरे भाई मुंह पे ही किक दे दिया इसने, रुको यार तुम लोगों की ऐसी की तैसी ये मैजिक, बहुत ही कम एचपी गाइस, थोड़ी सी एचपी रह गई है, मैजिक मार रही है मेरे को ऐसे कैसे भाई। ओके थोड़ी सी एचपी है उसकी, बस एक अच्छा सा प्रॉपर हिट लग जाए ना फिर इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी और ये लोग जीत गए हम। हमने यहाँ पे नीडल को भी हरा दिया है, तीन तीन बॉडीगार्ड हरा चुके हैं हम, अब बस दो बॉडीगार्ड रह चुके हैं, एक अपना ये घोस्ट है। ओके घोस्ट को हराते हैं, वैसे जहाँ तक मुझे याद है घोस्ट एक अच्छा बंदा था। अब चलो घोस्ट से लड़ते हैं, राउंड 4 है ये अपना, इसके पास कटाना है सो थोड़ा ध्यान रखेंगे। लोग किक से स्टार्ट करते नहीं, ओके हो गया फर्स्ट स्ट्राइक, अब मारते गाइस इसको एंड ये लो भाई कॉम्बो 4 लग गया, आधी एचपी हो चुकी है उसकी। अब मैजिक यूज़ करते, ओके मैजिक मिस हो गया, आई थिंक ये वाला मैजिक कुछ ज़्यादा ही फास्ट है इसीलिए उसके उठने से पहले ही मैजिक चला गया। ओके गाइस अभी फिर से मारने का ट्राई करते, शॉक दे दिया बंदे ने हमें, सीरियसली क्लोज जाने दो मुझे, मैं मेरे वेपन्स नहीं है अब मेरे पास तो मुझे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा इससे। अरे यार रुको रुको मेरी एचपी कम कर रहे हैं ये लोग, नहीं ऐसे कैसे भाई, जल्दी से कुनाई फेंकते हैं और ये लोग गाइस हम जीत गए यहाँ पे। हमने यहाँ पे इसके फोर्थ बॉडीगार्ड को भी हरा दिया है, अब बारी है इसके लास्ट बॉडीगार्ड की। गाइस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। शैडो वर्सेस डैंडी जो कि लिंक्स का लास्ट बॉडीगार्ड है, अभी बस हमें ट्राई करना है कि ये हमारी ज्यादा एचपी कम ना कर सके और जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना है क्योंकि लिंक्स से लड़ने के लिए एचपी बचानी है ना। और ये मैजिक फिर से मिस हो गया यार, मैं मैजिक यूज करने में बहुत बुरा हूँ सच में। ओके ये देखो हेड पे लगा एक डायरेक्ट क्रिटिकल, फिर से मारते शॉक लग गया, उसका वेपन हमने हटा दिया, अब जल्दी से इस पे अटैक करते हैं। एंड ये लो गाइस हमने यहाँ पे लिंक्स के फिफ्थ बॉडीगार्ड को भी हरा दिया है, अब बारी है लिंक्स की। तुम लोग भाई पिछली बार मुझसे जीत गए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था ना ऐसे एक साथ आ जाओगे, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सबको तो हरा दिया है बस लिंक्स बचा है, इसकी भी बैंड बजाते हैं गाइस। सिक्स्थ राउंड है अपना, इसके बॉम्ब वाले एन्चेंटमेंट से थोड़ा बच के रहना है बस, और इसने फर्स्ट स्ट्राइक कर लिया, कोई बात नहीं तो इधर आ भाई। ये देखो गाइस लगा एक हिट क्रिटिकल पड़ा है और ये मैजिक भी हमने फेंक के मारा उसके मुंह पे, अभी इसकी एचपी हाफ हो गई है। ओके इसने हमें क्रिटिकल दे दिया, गायब हो गया। रुको रुको मुझे कंटिन्यू अटैक करते रहना है। ओके कहाँ है भाई तू, कहीं भी हो मैं अटैक करते रहूँगा बस, और कहाँ गया गाइस दिख नहीं रहा है बंदा। ओके दिखा, फाइनली दिखा, अब इसको उठने दो, मैजिक यूज़ करेंगे और मिस हो गया लिटरली भाई, और ये लोग जीत गए हम। यहाँ पे हमने लिंक्स को मजे ही मजे में हरा दिया है और इसी के साथ हमने इंटरल्यूड में फर्स्ट बॉस को हरा दिया है, मतलब अब ब्लू सील काम नहीं करेगा 6 में से, अब बस हमें 5 और बॉस को हराना है। लिंक्स ओह द वॉइस, आई स्टिल हियर टाइटन्स वॉइस इनसाइड माई हेड, यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर यू आर डीलिंग विद, यू हैव डूम्ड अस ऑल। ओके गाइस यहाँ पे जो लिंक्स है ना वो धमकियाँ दे रहा है कि टाइटन बहुत खतरनाक है ऐसा वैसा,
सो ये लो गाइस, अपना लेवल अप हो चुका है, 39 लेवल के हो चुके हैं हम, एंड अब बारी है सीक्रेट पाथ में हैरमिट को हराने की, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। और इसमें भी देखो टूर्नामेंट चैलेंजेस ये सब ही है, बाद में करेंगे ये सब। ऑल्सो गाइज यहाँ पे कुछ आया है, मुझे चेक करने दो। ओके, सो मैं इन दोनों में से किसी एक को अपग्रेड दे सकता हूँ। हम एनलाइटमेंट को अपग्रेड देते हैं क्योंकि उसे अभी अभी अनलॉक किया है हमने और मैंने अपग्रेड दे दिया। सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो। आज हमने इंटरल्यूड में लिंक्स को हरा दिया है, नेक्स्ट हम हैरमिट को हराएंगे। आई होप आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो को उसे लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन लगा उसे ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि गाइस अभी तो और 5 बॉसेस को हमें हराना है गेट्स को फिर से ओपन करने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।